अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप तो मतलब आपने जितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, इतने बार बजरंग बाण पढ़ा है आपने, है ना, आप मतलब इन्हीं चीज़ों में ही रहते हैं, तो क्या आपको अभी भी वही सेम एनर्जी फील होती है जो आपको शुरुआत में होती थी, शुरुआती दिनों में, या फिर मतलब अभी भी आप इमोशनल हो जाते कभी? ये जब यात्रा प्रारंभ हुई, इमोशनल नहीं होता, ये भगवान की कृपा का अश्रु होता है। जी और जब आंख से अश्रु बह जाता है तो उस समय आदमी पवित्र हो जाता है। उसका राग द्वेष ईर्ष्या मोह मद मत्सर सब समाप्त हो जाता है। और भगवान का वो जो मुरारी बापू जी कहते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते करते आंख से आंसू बह जाए तो समझ लो भगवान ने आपके सिर पर हाथ रख कर कह दिया, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। आंसू या तो उसकी कृपा को याद करके निकलता है, कब वाह परमात्मा नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सौ मुख न जाए सो बरनी, हनुमान जो तूने मेरे लिए किया, कौन कर सकता है ऐसा, कौन कर सकता है जी। कृपा करके, जब कृपा याद आती है तब आदमी अश्रु बहता है। और आपने कहा इमोशनल, हमने वो मेरे जीवन का समय, मैंने मुझे याद आ रहा है, आज याद आ रहा है आपने बात की थी कि मैं अपनी छत पर घूमता रहता था, 2 घंटे हो गए 3 घंटे हो गए मोबाइल लगाए यहाँ कुर्ते में और कथा सुनते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। वही एक तैयारी थी, वही एक समय था, वही सब कुछ था। जो आज भी अश्रु का खजाना जिसका समाप्त हो जाए तो उसकी समझो दुनिया लुट गई। जिसकी आंख में आंसू नहीं वो इंसान नहीं, जिसके हृदय में करुणा नहीं वो इंसान नहीं। डॉक्टर भी कहते हैं 5-6 महीने में अगर आदमी 1-2 बार रोए ना तो उस वो ब्लाइंड होने की ओर जा रहा है। पानी तो आंसू का विभूषण है जी। और हमें तो कहा जाता है कि मतलब खासकर लड़कों को, कि लड़कों को नहीं रोना चाहिए, और ये चीज़ मतलब मैंने फील की है कि मैं पता नहीं मम्मी को, आपने बात उठाई तो मेरे को याद है, पता नहीं मैं लास्ट बार कभी मेरी आंखों से मतलब आंसू आए थे, कभी मैं रोया था, लेकिन अभी जो मैं फ़िलहाल एनर्जी फील कर पा रहा हूँ और जो मैं आपको देख कर मतलब समझ पा रहा हूँ कि मतलब आप जो शब्द कह रहे हैं वो मतलब आपके चेहरे पे दिख रहा है, वो जो इमोशन आपने बताया वो देख पा रहा हूँ मैं। एक एक समय ऐसा आ जाता है कि इंसान फिर बोलना नहीं चाहता। जब रोएगा तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। सीता जी के सामने जब हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, जब सीता जी ने कहा हनुमान क्या राम ने मेरी सुध भुला दी, क्या प्रभु मुझे भूल गए, तो उस समय कहा नहीं नहीं माँ नहीं, कहे वो राम वियोग तब सीता, मोकौ सकल भय विपरीता। राम जी का दुख सीता जी को सुनाने लगे और सीता जी को राम जी की बात सुनाने लगे तो वहां हनुमान जी तो भरे बिलोचन नीर, अस कई कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी तो इतना रोने लगे फबक फबक के कि हनुमान जी तो चुप हो गए और मानो हनुमान के हृदय में जो राम बैठे थे वही सामने आ गए, सीता तू मेरी अर्धांगनी है, सुन मेरा दुख। वहां क्या लिखा, कहेउ राम, बोल कौन रहे, हनुमान जी, हनुमान जी, और कह कौन रहा है, राम। हनुमान जी तो साइड हो गए, पति पत्नी के बीच में मैं नहीं आ सकता, भक्ति भगवान के बीच में मैं नहीं आ सकता, आप दोनों के दुख और विरह को, एक दुखते की प्रसन्नता को मैं कैसे कह सकता हूँ, पीछे हो गए। उसका नाम है गुरु। मैं इस उदाहरण को दुनिया में देता हूँ कि गुरु हो तो ऐसा, ये नहीं कि अपने शिष्य से ये ले लूँ वो ले लूँ, उसका पैसा लूट लूँ, धन लूट लूँ, उससे लूट लूँ, उससे लूट लूँ, नहीं। गुरु तो वो है भक्त और भगवान को मिलाकर साइड हो जाता है जी, वो है श्री हनुमान जी। तो आंख से आंसू जब आएगा तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुन गावत पुलक शरीरा, रोंगटे खड़े होना चले जाते।